hello everyone welcome back to my youtube channel so finally the day has come where i am launching my uh, new batch on rbi descriptive section recently i conducted a workshop on this also a webinar on this where i explained different type of questions and we also explained about a strategy plus i also explained that what are my vision to this particular program so now it's time to launch this program so let us begin the first thing which we need to understand over here is that what rbi has changed recently i'll be only talking about finance and management part so you can see this particular section has little bit change in this now this has added a descriptive section earlier it was only an objective based paper now they have added descriptive type paper which clearly means that uh, that student who doesn't have a deeper understanding on a particular topic may not be able to qualify the, the exam because for descriptive section you need to write and for writing you need a deeper understanding a broader knowledge on a particular topic as well as you also need are your writing skills so for that purpose uh, they have added this particular section and they have said that there will be 6 questions from this particular section in which 4 questions you need to attempt out of which 2 questions will be of 15 marks and 2 questions will be of 10 marks right so this will be of 600 words and this will be of 400 words and this particular section is of 50 marks now so this has this has been the change in RBI and this has really created a lot of hassle among the students specifically the people who are not from the background of management or finance because it is very difficult for those students to write on a particular topic when they don't understand even the basic terms of that particular section I'm not talking about everyone but there are few students let's move on to what I will be covering मैं क्या क्या कवर करूंगा उसके बारे में बात करते हैं तो इसमें किस किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं पहले मैं वो आपको हल्का सा बता देता हूं एक आइडिया दे देता हूं सो दैट यू गेट एन आइडिया ओवर इट सो इन द मैनेजमेंट सेक्शन यू कैन गेट अ मोस्टली स्टैटिक क्वेश्चन मैनेजमेंट में ज्यादातर जो है स्टैटिक क्वेश्चन आते हैं चाहे मोटिवेशन थ्योरीज की बात करो लीडरशिप की थ्योरीज की बात करो चाहे मैनेजमेंट के फंक्शंस की बात करो चाहे मैनेजमेंट की कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करो तो होता है क्या है कि यहां पे स्टैटिक क्वेश्चन के आने के बहुत ज्यादा चांसेस स्टैटिक मतलब डायरेक्टली थियोरटिकल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देन द सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे जो आ सकता है दट इज कॉल्ड सिचुएशन एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे सिचुएशन एनालिस आ सकता है कि कोई पर्टिकुलर सिचुएशन दी हुई है और वहां पर कोई डिसीजन लेना है आपको तो उस तरह के डिसीजन बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं और वो भी एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज भी हो सकता है कई बारी मैं आपको अभी एग्जाम्पल भी दिखा दूंगा इसका ठीक है एंड जो तीसरी कैटेगरी इसमें क्वेश्चन की आ सकती है दैट आर कॉल्ड शॉर्ट केसलेट्स तो आपको शॉर्ट केसलेट्स भी आ सकते हैं अगर आपको कंफ्यूजन है सिचुएशनल एनालिसिस और केसलेट्स के बीच में केसलेट्स तो मैं यहाँ पे डिमोस्ट्रेट नहीं कर पाऊंगा अभी बट केसलेट्स बेसिकली थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन ऑफ सिचुएशन एनालिसिस होता है जिसमें थोड़ा ज्यादा डाटा गिवन होता है ठीक है लेट्स मूव ऑन टू द फाइनेंस सेक्शन फाइनेंस सेक्शन में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं तो यहां पर ऑब्वियसली स्टैटिक क्वेश्चंस तो आ ही सकते हैं बेस्ड ऑन द सिलेबस एंड जो मुझे लगता है कि ज्यादा चांसेस जिस चीज के हैं वो है डायनेमिक क्वेश्चंस के यहां पर डायनेमिक क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं बेस्ड ऑन द रीसेंट अपडेट्स ऑन द बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर अब हमें पता है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर में लगातार कुछ ना कुछ होता रहता है हमेशा कोई ना कुछ नया आर लेकर आता रहता है कुछ ना कुछ बैंकिंग पॉलिसीज बदलती रहती हैं गवर्नमेंट कुछ ना कुछ नया करती रहती है जैसे अभी प्राइवेटाइजेशन कर रही है क्रिप्टो करेंसी बिल आ रहा है बैड बैंक का कंसेप्ट आया अपने मोनीटाइज अपने एसेट्स को मोनिटाइज किया तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो लगातार होती रहती हैं इस पर्टिकुलर एरिया में एंड दैट इज वेयर वी कैन एक्सपेक्ट ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस वहां से बन जाते हैं लेट्स मूव ऑन टू एग्जांपल्स मैं थोड़ा एग्जांपल भी आपको दे देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बन जाए तो मैनेजमेंट क्वेश्चंस में हमारे पास जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है स्टैटिक कि डिस्कस द ट्रेड थ्योरी ऑफ लीडरशिप और उसके बाद लीडर्स आर बोर्न और मेड सपोर्ट योर ओपिनियन विद योर अप्रोप्रेट एक्जाम्पल तो अब एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैटिक क्वेश्चन है इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है या ट्रेड थ्योरी के बारे में लिखना है प्लस आपको अपना व्यू पॉइंट देना है कि लीडर्स को आप बोर्न मानते हो या आप उसको मेड मानते हो अगर आप देखा जाए तो ये ट्रेड थ्योरी के आर्ग्यूमेंट के ऊपर बेस्ड है ठीक है क्योंकि अगर आप बॉर्न लिखते हो तो इसका मतलब है कि आप ट्रेड थ्योरी को सपोर्ट करते हो ऑन द अदर साइड अगर आप मेड लिखते हो इसका मतलब आप ट्रेड थ्योरी के अगेंस्ट जा रहे हो राइट right? तो आपको उसके हिसाब से अपने आंसर को प्लान करना पड़ेगा प्लस एक्जाम्पल्स भी देने पड़ेंगे uh, एक scenario का, एक का ले, ले लेते हैं। या एक क्वेश्चन और ले लेते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर स्टैटिक सेक्शन दैट इज कंपेयर एंड कंट्रास्ट द मैसलो थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विद टू फैक्टर थ्योरी एंड वर्च वन इज मोर रिलेवेंट इन टू बिजनेस एनवायरमेंट अगेन आप देखोगे यहां पे क्या हो रहा है यहाँ पे अगेन स्टैटिक क्वेश्चन है लेकिन आपको कंपेयर और कंट्रास्ट दोनों पूछा गया है अब स्टूडेंट क्या कर देता है यहां पे गलती दैट वो सीधा ही मोटिवेशन थ्योरीज लिख देगा उसका कोई फायदा नहीं होने वाला हमें क्या करना है हमें कंपेयर भी करना है और हमें कंट्रास्ट भी करना है मतलब सिमिलैरिटीज भी बतानी है और डिफ्रेंसेस भी बताने है बिटवीन दीज टू थ्योरीज प्लस मुझे लास्ट में कंक्लूजन में ये भी बताना पड़ेगा दैट विच ऑफ द थ्योरीज इज मोर रेलवेंट टू द टू वर्ल्ड आज के टाइम पे कौन सी थ्योरी ज्यादा रेलिवेंट नजर आती है तो वो भी प्लस उसके रीजंस क्या हैं ये सब कुछ हमें यहाँ पे राइट अप में लिखना पड़ेगा इन दोड वर्ड्स और सिक्स हंड्रेड वर्ड्स एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं अब यहाँ पे देखो आपको एक scenario दिया हुआ है स्नारिय क्या है सपोज यू आर वर्किंग एज अ मैनेजर इन अ मल्टीनेशनल कंपनी वेयर यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटरिंग एंड कोचिंग

यहाँ पे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है एक सिनेरियो गिवन है पहले तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये सिनेरियो जो है वो किस टॉपिक से आया है पहला क्वेश्चन ये बन जाता है प्लस उसके बाद मुझे इसके क्वेश्चन देखने पड़ेंगे पड़े क्वेश्चन क्या है तो यहाँ पे दो क्वेश्चन पूछे गए वट आर द नेसेसरी स्टेप्स यू विल टेक टू हैंडल द सिचुएशन आप किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करोगे स्टेप्स क्या लोगे उसमें स्टेप वन क्या होगा स्टेप टू क्या होगा स्टेप थ्री क्या होगा वो बताना है प्लस विच ऑफ द मोटिवेशन थ्योरीज यू कैन एल्व दिस इशू अब मोटिवेशन थ्योरी पूछा गया है तो यहां पे कौन सा मोटिवेशन थ्योरी लगेगा आपको वो बताना पड़ेगा तो आपको देखना पड़ेगा कि सिनेरियो के हिसाब से कौन सा मोटिवेशन थ्योरी एक्चुअली में फिट इन होता है तो अगर आपको एप्लीकेशन नहीं आता हुआ क्या है कि थ्योरी पूछी गई है लेकिन आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई है तो यहां पर प्रॉब्लम आ जाएगी लिखने में और अगर आपने गलत थ्योरी लगा दी तो वैसे ही आंसर गलत हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से मैनेजमेंट में आपको दोनों तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं केसलेट्स भी आ सकता है जो मैंने आपको बताया भी था और केसलेट्स को सॉल्व करने का ना मैंने एक तरीका अपने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर डाला हुआ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो वहां से केसलेट होता है क्या और कैसे उसको सोल्व करते हैं वो आपको पता चल जाएगा मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लेट्स मूव ऑन टू फाइनेंस स्टार्टिक एंड सेक्शन फाइनेंस में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं फाइनेंस में एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है वट इज द रोल ऑफ आरबीआई इन इंप्रूविंग द बैंकिंग सिस्टम ऑफ इंडिया किस तरह से आरबीआई इसको इंप्रूव कर रहा है आरबीआई के फंक्शंस हैं तो स्ट्रेट फॉर्वर्ड क्वेश्चन है बट एट द सेम टाइम उससे हल्का सा पूछा गया दट हाउ द रोल चेंज विद द डिजिटलाइजेशन ऑफ इकनॉमी जैसे जैसे डिजिटलाइज़ेशन हो रहा है जैसे जैसे फाइनेंशियल इक्लूजन बढ़ रहे हैं जैसे जैसे लोग ऑनलाइन बैंकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं उससे आरबीआई के क्या चैलेंजेस हो रहे हैं क्या अपॉर्चुनिटीज बन रही है उनका रोल किस तरह से चेंज हुआ है यह पूछा गया है ठीक है

उन पर कैसा इंपैक्ट पड़ेगा पॉजिटिव पड़ेगा नेगेटिव पड़ेगा तो ये भी एक टाइप है कि मतलब क्वेश्चन टॉपिक डायनेमिक है बट क्वेश्चन इज स्टैटिक जो अगला टाइप आ सकता है इज इट राइट टू बैन द प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज क्या ये सही कर रही है गवर्नमेंट की प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को बैन कर रही है या उनको रेगुलेट कर रही है एंड डिस्कस योर ओपिनियन विद नेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स तो आपका ओपिनियन क्या है और आप उसमें क्या मानते हैं और उसके क्या वैलिड पॉइंट्स हैं तो अगेन अ डायनेमिक क्वेश्चन जब अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है आपकी तो आप नहीं लिख पाएंगे मूविंग ऑन टू द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन आरबीआई इज प्लानिंग टू स्टार्ट देयर ओन डिजिटल करेंसी गवर्नमेंट या आरबीआई अपना खुद का डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी कर रही है डू यू बिलीव दिस विल अट्रैक्ट मोर इन्वेस्टर्स टू वर्क इन अ रेगुलेटेड इनवायरमेंट हम सबको पता है कि क्रिप्टो कहीं ना कहीं अनरेगुलेटेड है अभी और इंडिया में ज्यादातर चांसेस यही लग रहा था कि ये बैंड हो जाएगा बट गवर्नमेंट नाउ हैज डिसाइडेड दैट दे विल गो फॉर रेगुलेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर इनवायर रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी तो उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ेगा इन्वेस्टर्स के लिए तो वो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं दिस इज कॉल्ड डायनेमिक क्वेश्चन जो कि एक पर्टिकुलर जो न्यूज चल रही होती है कोई पर्टिकुलर प्लान कोई बिल आ रहा है कुछ आ रहा है उसके ऊपर आपको क्वेश्चनिंग आ सकती है ठीक है और इसके ज्यादा चांसेस लगते हैं मुझे ठीक है। Moving on, अब इसमें मैं क्या ऑफर कर रहा हूं मेरा प्रोग्राम में मैं क्या ऑफर करने का तैयारी क्या करने वाला हूं मैं उसके बारे में बात करता हूं व्हाट आई एम डूइंग इज माय मॉडल इज नॉट बेस्ड ऑन डेमो आंसर अब ज्यादातर जो व्हाट आई या जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि ज्यादातर जो लोग तैयारी कराते हैं या जो लोग जो इंस्टीट्यूशन की तैयारी कराते हैं वट दे डू दे

मेरा पर्पस ये है कि स्टूडेंट खुद से डेवलप करे अपने राइटिंग स्किल्स को और वो समझे कि उसको क्या लिखना है रादर देन कि मैं उसको लिख कर दे दूं और वो वही याद करके चला जाए दैट इज नॉट माई वे ऑफ डूइंग थिंग्स तो अगर आप डेमो आंसर्स के लिए ढूंढ रहे हैं ये प्रोग्राम तो ये आपके लिए बिल्कुल नहीं है मैं इसमें कोई भी डेमो आंसर आपको नहीं प्रोवाइड करूंगा किसी भी क्वेश्चन का तो मेरा मॉडल क्या होगा मेरा मॉडल ये होगा कि आई विल बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन इवेल्युएशन मैं आपके राइटअप को इवेल्युएट करूंगा ये मेरा प्लान है आप जो भी लिखोगे जो भी क्वेश्चन मैं बनाऊंगा जो भी क्वेश्चन आपके शेयर करूंगा मैं ईच एंड एवरी आंसर ऑफ द स्टूडेंट्स को मैं खुद से पढ़ूंगा और अपना इंडिविजुअल फीडबैक आपको लिखकर प्रोवाइड करूंगा जो भी आपने क्वेश्चन का आंसर लिख कर दिया मेरा आपको उस पर फीडबैक मिलेगा कि आपको वो आपने वो आंसर कितना अच्छा लिखा प्लस मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि स्ट्रेटेजी किस तरह से आप यूज कर सकते हो कैसे आप ब्लेंड क्रिएट कर सकते हो कंटेंट का स्टैटिस्टिक्स का और स्ट्रक्चर का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर क्वालिफाइंग एनी गुड डिस्क्रिप्टिव बेस्ड पेपर तो ये मेरा 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 जो आइडिया है वो ये है नो डेमो आंसर्स बट इवेलुएशन मैं इवेल्युएट करूंगा वट एवर राइट जो भी क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा आप लिखोगे आप लिख कर मुझे सबमिट करोगे आई चेक योर वर्ड काउंट्स आई चेक यूर ग्रामर आई चेक इन टू कि आपने कितना अच्छा लिखा है क्या वैलिड पॉइंट्स आए या नहीं आए प्लस मैं उसमें आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसमें और क्या लिख सकते थे मैं ये आपको बताऊंगा दैट इज मोर इंपॉर्टेंट राइट इसके अलावा विल बी शेयरिंग रीडिंग मटेरियल इसके अलावा कुछ रीडिंग मटेरियल्स भी मैं लगातार आपके साथ शेयर करता रहूंगा स्पेसिफिकली फॉर द फाइनेंस सेक्शन कि जो भी आर्टिकल्स जो भी नए न्यूजपेपर्स में आ रहे हैं चाहे मैगजीन्स में आ रहे हैं जिनको मैं फॉलो कर रहा हूँ अपार्ट फ्रॉम वॉट यू आर डूइंग आप तो अपने लेवल पर कर ही रहे होंगे बट अगर जो मैं भी पढ़ रहा हूँ वो भी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा सो so दैट कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि ओके okay, इससे हम ये चीज़ पढ़ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस आई विल शेयरिंग माई स्ट्रैटी थ्रू लाइव सेशन मैंने आपको बताया भी कि मैं लाइव सेशन्स कराऊंगा वीकेंड्स पे जहां पर कि मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है राइटअप का और आप कैसे उस स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हो ठीक है इसके अलावा एवरी वीक आई विल बी शेयरिंग फोर क्वेश्चन फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक हर वीक में मैं फोर टू फाइव क्वेश्चन यहाँ पर शेयर करूंगा इसमें दो क्वेश्चन जो होंगे वो मैनेजमेंट और दो या तीन जो है वो फाइनेंस से होंगे इसमें मैं स्ट्रैटिक और डायनेमिक दोनों कवर करूंगा ठीक है तो इससे फायदा क्या मिलेगा और आप क्या कर सकते हो देन यू कैन राइट एनी थ्री आप कोई भी तीन क्वेश्चन इसमें से चूज कर सकते हो जो भी तीन क्वेश्चन लिख करके आप मुझे सबमिट कर सकते हो और मैं उसको इवैलुएट करूंगा एंड आइल पिक एंड वो आप पिक एंड चूज कर सकते हो मतलब अगर मैंने पांच क्वेश्चन दिए तो पांच में से कोई भी दो क्वेश्चन कोई भी एक क्वेश्चन कोई भी तीन क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रिपरेशन कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप यही तीन करो आप अपने प्रिपरेशन के हिसाब से देख लो कि सर ने ये पांच क्वेश्चन दिए तो इसमें से कौन से क्वेश्चन को मैं पिक करके लिख सकता हूं ठीक है तो इस तरीके से आप मुझे अपना आंसर सबमिट करोगे एंड आई एल इवैलुएट एंड आई आल रिपोर्ट बैक टू यू मैं उसके बाद आपको आपके साथ अपना फीडबैक शेयर कर दू और इससे सबसे बड़ा जो फायदा एक और मिलेगा आपको सिंस मैं एवरी वीक अपने क्वेश्चन भी शेयर कर रहा हूं तो आपका एक क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक बन जाएगा आपके पास एक कि भाई इस टॉपिक से कोई ये पांच क्वेश्चन आ सकते हैं ये छह क्वेश्चन आ सकते हैं ये सात आ सकते हैं इस तरह के आ सकते हैं तो एक क्वेश्चन बैंक भी आपके पास बिल्डअप होता चला जाएगा तो वो एक और बेनिफिट होगा वैल यू आर रिवाइजिंग आप देख सकते हो कि मैंने कौन सा क्वेश्चन लिखा था कौन सा नहीं लिखा था जो नहीं लिखा था उसमें कुछ अगर डाउट है तो आप मुझसे ले सकते हो मुझसे पूछ सकते हो राइट लेट्स मूव ऑन टू द प्राइस एंड प्लान्स की अब मैं क्या करने की तैयारी कर रहा हूँ तो बेसिकली वट आईम डूइंग एज आई एम ऑफरिंग टू प्लान इन टू दिस मैं दो प्लान ऑफर कर रहा हूँ एक प्लान ए और एक प्लान भी है इन प्लान ए वट आई आई एम ऑफरिंग इज आप ट्वेल्व क्वेश्चन को इवेलुएट करा सकते हो कोई भी ट्वेल्व क्वेश्चन जो आप लिखोगे मैं उसको चेक कर दूंगा ठीक है एंड आयल गिव यू माई फीडबैक मैं उसमें आपको फीडबैक दूंगा इसमें मैं थर्टी टू फोर्टी क्वेश्चन आपके साथ शेयर भी करूंगा दैट मीन्स आप लिखो चाहे ट्वेल्व क्वेश्चन ही मतलब ट्वेल्व क्वेश्चन ही मैं अवैलट करूंगा बट आई विल गिव यू फोर्टी क्वेश्चन एटलीस्ट इससे भी ज्यादा भी दे सकता हूं अभी तो मैं इतना ओवरकमट नहीं करना चाहता था दैट इज वाई मैंने थोड़ा सा हिसाब से अपना लिखा है कि मैं इतना तो कम से कम दूंगा ही दूंगा आपको तो आप आराम से इन क्वेश्चन को लिख सकते हो इसमें कोई इशू नहीं है इसके अलावा जो सिक्स क्वेश्चन होंगे दैट विल बी फोर हंड्रेड वर्ड्स एंड सिक्स होंगे जो सिक्स हंड्रेड वर्ड्स तो आप इवेलुएट कराते समय मुझसे दोनों टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो इवेल्यूएट करा सकते हो राइट एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अब इसमें रिटर्न फीडबैक होगा इसमें जो भी मैं फीडबैक आपको दूंगा वो राइटिंग में होगा जो आप आंसर्स लिखोगे उसके नीचे मेरे कमेंट्स आ जाएंगे उस पर मेरे जो है जो मेरा रिव्यूज है या जो मेरी स्ट्रैटेजी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा सो दिस इज माई प्लान ए और इसकी जो प्राइस मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूं दैट इज योर वन नाइन नाइन आप इतना पे करोगे और इसमें आप ट्वेल्व क्वेश्चन करा सकते हो प्लस जो मैं मटेरियल शेयर करूंगा वो तो करूंगा ही करूंगा प्लस इसके अलावा मैंने आपको बताया क्वेश्चन बैंक में मैं आपको थर्टी टू फोर्टी क्वेश्चन दे दूंगा बेस्ड ऑन द सिलेबस प्लस आपको मैंने इवेल्युएशन का भी पैरामीटर्स बता दिया रिटर्न फीडबैक होगा इसमें मोस्टली रिटर्न फीडबैक होगा राइट मूविंग ऑन टू प्लान बी जो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है एज कंपेयर टू दिस वन तो प्लान बी की बात कर लेते हैं वहां पे मैं 50 क्वेश्चंस का इवेलुएशन दे रहा हूं आपको आर आई विल बी आप पचास क्वेश्चन लिख सकते हो और क्वेश्चन मुझसे चेक करा सकते हो पहला बेनिफिट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग देर नो लिमिट ऑफ क्वेश्चन शेयरिंग यहां पर कोई लिमिट मैं नहीं लगा रहा कि मैं इतना ही क्वेश्चन शेयर करूंगा 100 भी शेयर कर सकता हूं 200 भी कर सकता हूं जो जो जिस जिस टॉपिक से जितने जितने क्वेश्चन बनते होंगे मैं सब यहां पे शेयर करता हुआ आपको मिलूंगा उतने क्वेश्चन मैं यहां पे शेयर कर दूंगा राइट इसके अलावा जो 25 क्वेश्चंस होंगे वो 400 वर्ड्स के मैं चेक कर दूंगा आपके और 25 क्वेश्चन जो है वो 600 वर्ड्स के होंगे जो मुझे लगता है कि मोर इनफ है अगर कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है अगर वो 50 क्वेश्चन इवैल्यूएट करा लेता है और कहीं ना कहीं उसको समझ में आ जाता है कि लिखना कैसे तो इट इज मच मच ईजियर फॉर हिम टू क्वालिफाई दिस पर्टिकुलर सेक्शन देन मूविंग ऑन विल कवर बोथ स्टैटिक एंड डायनमिक पार्ट यहां पर स्टैटिक और डायनमिक दोनों कवर करेंगे जैसे यहां पर भी कवर करेंगे वैसे यहां पर भी कवर करेंगे स्टार्टिक और डायनमिक मतलब क्वेश्चन मिक्स होंगे कुछ स्टैटिक से होंगे कुछ डायनेमिक से होंगे इस तरह से मिक्स करके हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे इसके अलावा रिटर्न uh, फीडबैक तो होगा ही होगा बट यहाँ पे हम मैं लाइव वन टू वन सेशंस भी आपके साथ करूंगा ये वंस इन अ मंथ हो सकता है वस इन अ वन इन अ ट्वेंटी डेज हो सकता है वन इन फिफ्टीन डेज हो सकता है बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टूडेंट क्या स्टूडेंट कहता है कि सर मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है मुझे समझने में प्रॉब्लम आ रही है मेरे राइटप पर मेरा अच्छे आंसर्स नहीं आ रहे अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे तो इन दैट सिचुएशन मैं उससे वन टू वन बैठ के उसके आंसर को उसको लाइव आकर उसको समझा दूंगा कि भाई तुम्हारी कहां गलती हो रही है क्या प्रॉब्लम आ रही है कैसे उसको ठीक कर सकते हो तो ये एक एडिशनल बेनिफिट है इस प्लान में इसके अलावा जिसकी प्राइस मैं रख रहा हूं दैट इज ऑफ टू फोर नाइन नाइन सो द प्राइस इज टू फोर नाइन नाइन फॉर दिस वन एंड दिस द प्राइस इज वन वन नाइन नाइन फॉर दिस वन विच आई फील दैट क्वाइट एफोर्डेबल इफ यू आर टेकिंग अप और वैलिडिटी का एक बहुत बड़ा इशू था कि सर वैलिडिटी कितनी होगी मोस्ट प्राइवली मैं इस वाले प्लान में आपको फोर मंथ्स की तो वैलिडिटी डेफिनेटली दे रहा हूं बट मेरा प्लान ये है कि ट्वेल्व क्वेश्चंस तो मतलब इट इज समथिंग विच कैन इजीली यू कैन राइट अगर मैं हर वीक में तीन क्वेश्चन भी शेयर कर रहा हूँ चार क्वेश्चन भी शेयर कर रहा हूँ तो आप एक दो तो लिखोगे ना तो अगर आप एक दो भी लिख रहे हो तो मोस्ट प्राइवली आप टू थ्री मंथ्स में इतना ट्वेल्व क्वेश्चन आराम से कवर करोगे इसके अलावा जो ये वाला प्लान है इसमें मैंने आपको पहले भी कहा इट इज अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इसमें मैंने हर चीज डालने की कोशिश की है जो मुझे लगा Uh, की एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी काफ़ी फ़ायदेमंद होगी सो दिस इज़ माई ऑफरिंग इन टू आर बी आई डिस्क्रिप्टिव सेक्शन आई होप कि ये वाला प्लान आपको बहुत फ़ायदा करेगा हेल्प करेगा और मैं अपनी पूरा एफर्ट डालूंगा कि आपको इसमें मेरी हेल्प मिल सके प्लस इसमें जो हम इनटेक ले रहे हैं दैट इज़ ओनली फॉर 50 स्टूडेंट्स राइट नाउ मैं फिर से बता दूं, आई एल ओनली बी टेकिंग 50 स्टूडेंट्स राइट नाउ मैं सिर्फ 50 स्टूडेंट को लूंगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आज से हम इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं एंड विल स्टार्ट द प्रोग्राम फ्रॉम फिफ्टींथ ऑफ दिसंबर फिफ्टीन दिसंबर से हम इस प्रोग्राम को स्टार्ट कर देंगे ठीक है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आई होप कि आपको ये सारा प्रोग्राम समझ में आ गया हो इसके अलावा कोई भी इशू हो कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो आप में से काफी लोग एक्सपीरियंट्स के पास मेरा नंबर भी है तो आप वहां मुझसे पूछ लेना इसकी जो सारी पेमेंट डिटेल्स है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ आप वहां पेमेंट कर देना अगर अपू विश टू ज्वाइन एंड ऑल द बेस्ट एंड वी सी यू सून आई होप कि आप बहुत जल्द इस प्रोग्राम में मुझे देखने को मिलेंगे विल हैवन टू वन प्रोग्राम फिफ्टी स्टूडेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम फिफ्टीन ऑफ दिसंबर सो थैंक्स फॉर वॉचिंग विल मीडिंग द नेक्स्ट सेशन वेरी सूड